ये बता सकता हूँ कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास और लोअर क्लास अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल लें। किताब है और कागज़ जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और पाकिस्तान की हुकूमत को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने 6-7 महीने पहले भी तवज्जो नहीं दी जब हर चीज़ की कीमतें आसमान से बातें कर रही थी और डॉलर की भी। लेकिन अब इन्होंने इसके ऊपर डॉलर की कीमत तो कम कर रहे हैं बाय फोर्स, जिस तरह भी आर्टिफिशियल अंदाज। इस वक्त डॉलर के नीचे आने से फिलहाल कोई फायदा नहीं हो रहा। अगर ये इसी तरह नीचे ले जाते रहे और ये एक मखसूस लेवल पे आके रुक गया तो उसके बाद फिर कुछ फवायद होते हैं, अभी कोई फवायद नहीं है फौरी तौर पर। इस वक्त इम्पोर्टेड कागज़ के ऊपर ड्यूटी पहले आती थी, ज़्यादा थी, लेकिन कागज़ आता था। इन्होंने ड्यूटी लगा के उसको बैन कर दिया, सिर्फ लोकल कागज़ पे हम आ गए। लोकल कागज़ की इंडस्ट्री उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकी, उसने उसके दाम बेइंतहा बढ़ा दिए। यानी एक तो जायज़ दाम बढ़ते हैं कि भाई हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, और एक चीज़ ये होती है कि फिर मुनाफली हो जाती है। नतीजा ये हुआ कि इस साल जो किताबें आएंगी उसमें जो किताबें इम्पोर्ट की गई वो इम्पोर्ट गलत पॉलिसी की वजह से वो लेट हुई, बच्चों को देर से मिली और बेइंतहा महंगी मिली। जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं जब उन्होंने कागज़ की कीमत बढ़ाई तो कागज़ का 55% कंट्रीब्यूशन है किताब के अंदर, 45% में दीगर चीज़ें आती हैं, प्रिंटिंग आती है, बाइंडिंग आती है, प्रॉफिट आता है, सब चीज़ें। इम्पोर्टेड कागज़ को पाकिस्तान में आने की परमिशन देंगे जैसे पहले थी, ताकि कॉम्पिटिशन हो लोकल मैन्युफैक्चरर्स में और इम्पोर्टेड कागज़ में। दूसरी तरफ लोकल पे भी अगर आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्सेस लगाए हुए जो कि इन्होंने लगाए हुए, उसको इनको कम करना चाहिए। जो कागज़ किताबों में इस्तेमाल होता है, एजुकेशन पर्पज में इस्तेमाल होता है, जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, जो कि इस मुल्क का सरमाया है, जो इस मुल्क का फ्यूचर है, उनके लिए जो किताबें बन रही हैं, वो किताबें अगर आप इतनी महंगी कर देंगे कि उनकी कुव्वत खरीद से निकल जाएगी तो वो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। ये बता सकता हूँ कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास और लोअर क्लास अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल लें तो वो उस बच्चे को मोटर मैकेनिक या किसी टेक्निकल उसमें लगा देंगे कि बेटा तुम भी कमाओ और मैं भी कमा रहा हूँ। जिसके लिए हम लोग लड़ रहे थे कि बच्चों को चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड लेबर गलत है, बच्चे का हक है कि उसको तालीम हासिल हो। हम सबसे ज़्यादा मुतासरीन हैं कि हमने महंगा कागज़ ख़रीदना है, महंगी प्रिंटिंग करनी है, महंगी बाइंडिंग करनी है, उसको किताब बना के और उसको सप्लाई करना है गवर्नमेंट को। पब्लिशिंग इंडस्ट्री के अंदर जो छोटा पब्लिशर था वो कागज़ ही नहीं खरीद पा रहा है मार्केट से। कागज़ खरीदेगा, प्रेस जाएगा, किताब छपवाएगा, बाइंड करवाएगा, मार्केट में लेकर आएगा, जब बिकेंगी तो पैसे मिलेंगे। हर कारोबार के अंदर छोटा काम करने वाले, दरमियाना काम करने वाले और बड़ा काम करने वाले तीनों होते हैं। कोई भी कारोबार आप ले, जो छोटा काम करने वाला है ना, मिसाल के तौर पर उसका एक मशीन है या वो छोटी मशीन है प्रिंटिंग की या दरमियानी मशीन है, वो बुरी तरह मुतासर हुआ, उसकी कुव्वत खरीद मुतासर हो गई। वो केमिकल्स लेने जाता है, केमिकल्स नहीं मिल रहे हैं। वो प्लेटें लेने जाता है, प्लेटें नहीं मिल रही। वो फिल्में लेने जाता है, फिल्में नहीं मिल रही। ये सब इम्पोर्टेड आइटम्स हैं, इनकी कीमतें बगैर किसी से पूछे 300-300 गुना बढ़ गई।